Sawdust, red mud. दोनों तो आपके लिए अवार्ड्स कितना महत्व रखते हैं? आपके परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क पड़ता है अवार्ड्स मिलने से? नहीं, अवार्ड मिलना और ये ना आर्टिस्ट के लिए कुछ खास बात नहीं होती है, उनकी साधना जैसी रहती है वैसे ही होते, उसके गाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर लोग जो देखते हैं लोगों की दृष्टि में बहुत फर्क पड़ता है कि एक अवार्ड मिल गया तो बहुत बड़ी गायिका है, ये है वो है, ऐसे समझते हैं लोग। और अवार्ड मिलने के बाद मुझे बहुत प्रोग्राम्स और सब लोग बहुत मुझे मिलने के लिए आते हैं, ये है वो, तो फर्क तो जरूर पड़ता तो है। लोगों के लिए अवार्ड चाहिए, हमें कोई खास जरूरत। रुताई, अब आपने किस एज में ट्रेनिंग लेना शुरू किया? अपने फादर के एनकरेजमेंट के बारे में और आपके गुरुज के बारे में आप बताइए। मैंने 5 साल की उम्र से शुरू किया और वो नथन खा सैम के पास शुरू किया था, और 2-3 साल में मैं बॉम्बे रेडियो में भी 8 साल उम्र में मैं प्रोग्राम भी देती रहती थी। उसके बाद उनको बम्बई में लाया गया तो कोल्हापुर में कोई सिखाने के लिए कोई नहीं थे, और बाद में भुर्जी खान साहब को बम्बई की हवा सूट नहीं होती थी इसीलिए वो कोल्हापुर में आके रह गए। और ये लोग घर के लोग कोई ना कोई तो भी महालक्ष्मी, कोल्हापुर के महालक्ष्मी टेम्पल में रोज़ सुबह 8:30 बजे आरती के टाइम वो लोग गाते थे, तो उस वक्त भुर्जी खान साहब आके कोल्हापुर में रहते थे और वो रोज़ गाते थे। वहाँ मेरे फादर ले जाते थे मुझे और खान साहब को बोलते थे कि मेरी लड़की को गाना सिखा दो, तो उन्होंने उस टाइम ऐसी कुछ फीस मांगी कि वो मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और फिर वो वैसा किस्सा रह गए। मगर मेरे फादर ने कुछ मन में रखा नहीं, रोज़ जाते थे, खान साहब को मिलते थे, मुझे गाना सुनाते थे। तो मैं जब 13-14 साल की हो गई तो खान साहब अपने आप ही मेरे घर आए और उन्होंने बोला कि मैं आज से तुमको मैं गाना सिखाना शुरू करता हूँ और मुझे फीस जो आप दे सकते हैं वो मुझे दे दीजिए। इस वक्त इससे पहले जो मैंने फीस मांगी थी वो एक उस वक्त इतनी छोटी उम्र थी उसकी कि कुछ मैं क्या बात करता वो भी समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैंने फीस मांगी थी। आप देने वाले नहीं, मैं लेने वाला नहीं, मुझे मालूम था, मगर आपकी इतनी श्रद्धा है मुझ पर तो मैं ऐसा पैसे के लिए कुछ ये करने वाला नहीं है, मैं आज से तुम्हारे लड़के को शुरू करता हूँ सीखना। और 1940 से 1950 तक मैं उनके पास सीखी और मैं उसके बहुत लाडली शागिर्द थी। और उसके बाद 1950 से 1957 तक किसके पास सीखना मुझे प्रॉब्लम ही था, तो मैं बीच में मेरे मामा जी हैदराबाद में रहते थे तो वहाँ मैं हैदराबाद में 7 साल रही और एक दवाई की फैक्ट्री थी, मेरे डॉक्टर थे मामा जी, तो वहाँ मैंने काम भी किया। और 7 साल के बाद 1957 में दिल्ली की मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कॉलरशिप मिल गई, और उस वक्त में इस घराने के ही आलादया खान साहब के छोटे भाई हैदर खान साहब, उनकी शागिर लक्ष्मीबाई बड़ोदेकर, वो बड़ौदा स्टेट में दरबार गायिका थी, उनके पास, और भुर्जी खान साहब के लड़के आलादया खान साहब के पोते अजीजुद्दीन खान साहब, ये दोनों के पास मैं 57 से 60 तक कंटिन्यूस उस वक्त सीखी। और अभी भी मैं हम बाबा के पास, उनको बाबा बोलते हैं अजीजुद्दीन खान साहब को, तो उनके पास मैं अभी भी हम लोग सीखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ कि आदमी ने हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए। ये इतनी अथांग विद्या है, इतना अथांग सागर है कि कितना भी करो कभी एंड नहीं है इसको। और इसके बाद मैं 1962 से 1971 तक इस घराने की जो सबसे बहुत गाने अच्छे गाने वाली, सबसे ये गाना यही घराने का गाना गाने वाली फेमस, उसके केशर भाई केरकर, उनके पास मैं सीखने के लिए आई हूँ। और ये इसका कारण भी ये है कि अजीजुद्दीन खान साहब बाबा, उनको ऐसे ही लगा कि अपने घराने का गाना रहना चाहिए पीछे, इसीलिए उन्होंने ही मुझे बोला कि आप ही सीख सकती है, कि केशर भाई का जो टेम्परामेंट है, गुरु को कैसा हैंडल करना, ये आप अच्छी तरह से जानती है,
तो आप ही सीख सकती है इनके पास, तो आप सीखो कुछ भी करो। और ये लोगों ने भी मुझे बहुत हेल्प की है कि मैंने पहले बोला था कि भाई ये बम्बई आके रहना, ये फ्लैट लेना, जगह लेना, सीखना, ये इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं है, मगर बाबा ने मुझे कहा कि नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आप आइए, हम सब लोग देखेंगे क्या करना है सब। तो मेरे फादर ने उस वक्त अपनी खेती और मकान वगैरह सब बेच के हम लोग बम्बई में आए, और फिर मैं केसर भाई के पास सीखी। और मैं गुरु के बारे में बहुत तकदीर वाली हूँ। केसर भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी ना, आपको टाइम पे पहुंचना पड़ता था, उसके बारे में कुछ बताइए, आपकी ट्रेनिंग कैसे? हाँ, स्ट्रिक्ट वो स्ट्रिक्ट थी ही, मगर मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि एक जो अपने दिनचर्या में भी जो आदमी जैसा ये करता है, सुबह उठ के रात को सोने तक जो जैसा बर्ताव करता है, वो सब उसका नेचर वो गाने में भी दिखाई देता है। तो वो स्ट्रिक्ट रहती तो मुझे गुस्सा नहीं आता था, मगर कभी कभी थोड़ा सा ये लगता था कि इतना बिल्कुल 5 बजे उन शाम को उनके घर में पाँव रखना पड़ता था। तो मैं और मेरे फादर हम लोग शिवाजी पार्क में जाके बैठते थे, और वो पार्क से उनके घर में जाने के लिए, बंगलों में जाने के लिए कितना देर लगता वो सोच के घड़ी देख के 5 बजे हम घंटी बजाते थे। और फिर नहीं तो 5 बज के 1 मिनट भी होता तो मुझे दिखा देती थी कि देखो लेट आई, तो ऐसे ही गाने में करोगी तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी गाने में, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सुर और ये सब ताल इतना संभालना चाहिए उसका ये। और एक क्या है कि केसर भाई के वैसे जैसे एक मनस्वी कलाकार जो रहते हैं, उनकी एक ऐसी खासियत होती है कि उनके जो एक कुछ दिमाग चलता है, उनके सोच विचार जो होते हैं वो संभाल लेता है, तो फिर उतना जितना वो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे टेम्परामेंट की है वो है वो, ऐसे ही नहीं है, उतने ही ये लोग अच्छे रहते हैं, उनके एक 2-4 चीज़ें संभाल लेना चाहिए। और वो मैंने देखा था कि इनको कैसे संभालना चाहिए, ये क्या चाहती है। और फिर ठीक है, हर आदमी का तो यही होता ही है। कट, वेरी गुड। ध्रुता, आप अपने गुरुज की क्वालिटी, आपकी जो ट्रेनिंग की क्वालिटी थी, आप लोगों की जो डेडिकेशन थी उस जमाने में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। एक तो उस जमाने में हम लोग रोज सीखते थे, और सुबह 5 बजे उठ के हम लोग प्रैक्टिस स्वर भरने का साधना करते थे, एक कम से कम 2 घंटा तो सुबह करना ही पड़ता था, मगर चाय वाय पी के सब ये करके। और बाद में 9 बजे खान साहब सिखाने के लिए आते थे, तो सुबह के राग की तालीम हो जाती थी, वो 12 बजे तक चलता रहता था। फिर बाद में खाना वाना खा के थोड़ी रेस्ट करके 4 बजे फिर सिखाते थे, और फिर शाम को 6 बजे तक, और फिर भी रात को शाम के। एक क्या है कि एक सुर के सुबह का भी राग होता है, शाम दोपहर का होता है, रात का होता है, तो ऐसी तालीम दे देते थे कि सुबह देस्कार सिखाते थे और शाम का भूप सिखाते थे और रात का शुद्ध कल्याण भी सिखाते थे, कि ये तीनों राग के सुर एक है मगर गाने का तरीका बिल्कुल अलग है। और ये है कि बंदिश उसमें क्या होती है, और चौकट, एक चौकट में रह के भी अपना कल्पना आविष्कार कैसा करना चाहिए उसमें, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। और इसके लिए सीखने में थोड़ी देर लगती थी, मगर जब वो शागिर्द पूरा पक्का हो जाता था अपने 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 विद्या में, और एक लिमिट तक, हद तक जब गाना नहीं आता तब तक हमें स्टेज पे गाने की परमिशन गुरु नहीं देते थे। जब गुरु कहेंगे कि नहीं अभी तुम स्टेज पर गा सकते हैं, तो ही स्टूडेंट गाने के लिए जाता था उस वक्त। और रात को भी 10-10 बजे बैठ के फिर मेहनत करते थे, रात को 12-12 बजे तक, कम से कम 2 बजे तक गुरु ने छोड़ा तो भी लोगों को लगता था कि चलो आज 12 बजे छोड़ा है तो 2 घंटा कम हो गए। फिर सुबह 5 बजे उठ के सब करना पड़ता है, ये सरस्वती की जो सेवा है ये इतनी आसान नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो भी देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तो सरस्वती गले में हार डालेगी। लेकिन ये तो गुरु की बात हुई, लेकिन आपके जैसा शिष्य भी तो चाहिए जो मतलब देर रात तक करे और सुबह उठ के फिर रियाज करे। बराबर है। एक तो मेरे बारे में क्या हुआ कि
मैं सीखती थी। खान साहब मेरे मुझे तालीम दे के जाने के बाद मेरे फादर मुझे लेके बैठते थे और हाँ बोलो आज खान साहब ने क्या सिखाया तुमको, चलो अभी ये पक्का गले में बिठा दो, बाद में छोड़ते थे मेरे फादर। तो उस वक़्त मेरी ये उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं खुद कुछ सोच समझ के कुछ करती हूँ। उस वक़्त सब मेरे फादर मुझे सुबह 5 बजे जगाते थे और 2 घंटे मेहनत करवा लेते थे, बाद में घूमने के लिए जाते थे। कोल्हापुर में एक रंकाला तालाब है, 3.5 मील का चक्कर 1 घंटे में घड़ी लगा के वो निकलना ही चाहिए, बाद में आने के बाद दूध पीना ये करना, और बाद में फिर हर दिन भर पूरी मेरे तरफ से प्रैक्टिस लेते थे। और उस वक़्त मेरे फादर ने ये भी सोचा कि भुर्जी खान साहब बहुत प्यार से मुझे सिखा रहे हैं और मालूम नहीं कि इसको भी किसी ने उठा और बम्बई ये चले गए तो फिर अपने को सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तू स्कूल भी अभी छोड़ दे और पूरा दिन गाना ही डिवोट करो। तो उस वक़्त मैंने ये कुछ खुद किया ऐसे तो मैं नहीं समझती हूँ, मेरे मुझे जो करना चाहिए था सब मेरे फादर ने मुझे से करवा ले। आप ऑडियंस के साथ जो आपकी एक रिलेशनशिप बनती है परफॉर्म करने करते समय, उसके बारे में कुछ बताइए और आपका परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट होता है या आप ऑडियंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं अपने परफॉर्मेंस से? ये तो कहना थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि वो तो खुद एक अनुभव करना चाहिए, मगर थोड़े जैसे मेरे समझ में जो कुछ है मैं आपको बता सकती हूँ। ये जो अपनी परंपरा शुरू हुई है ये श्री कृष्ण भगवान से, वो जो श्री कृष्ण भगवान जो मुरली बजाते थे तो उनके सुर में इतनी ताकत थी कि गौवे भी उनके सुर सुन के दूध भी ज़्यादा देती थी ये सब, और कहाँ उसको पकड़ के कोई ले जाता है तो वापस दौड़ के फिर वापस आ जाती थी। दूसरी बात ये है कि हरिदास स्वामी जंगल में रहते थे और अपने भगवान की पूजा पाठ करके उनके सामने गाते थे, और उस वक़्त शेर और ये सब जानवर वहाँ आके उनका गाना सुनते थे। तो अपना क्रूर स्वभाव वो छोड़ के वहाँ गाना सुनते थे तो कितनी ताकत थी उनके सुर में और गाने में। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि हमारा सुर का प्रभाव आदमी के ऊपर क्यों नहीं पड़ेगा। एक खासियत होती है उसके लिए कि परफेक्ट सुर की कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा ऑडियंस को मैं समझा के देती हूँ तो वो लोगों को अप्रिशिएशन करने में थोड़ी मदद मिलती है और वो लोग ध्यान से गाना सुनते हैं तो फिर वो लोग मेरे हाथ में मुट्ठी में आ जाते हैं महफल। और दूसरी बात ये है कि जो ऑडियंस होता है उसको भी थोड़ा पैर से कुछ हैंडल करना पड़ता है, जैसे कोई ऐसे गुस्से से बातें करने से कोई ये चीज़ होने वाली नहीं है, पैर से समझा दो उनको ये करो तो वो अपने बात भी मानते हैं आर्टिस्ट के, ध्यान से सुनते हैं। दूसरी बात ये है कि इस घराने का खास तौर से जयपुर अतरौली का घराने का गाने का जो तरीका है वो जैसे एक टीवी का सीरीज़ कंटिन्यूस देखना चाहिए, नहीं तो एक आधा बीच में कुछ नहीं देखते तो फिर उसकी बाद में कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि बीच में जाता है। वैसे जयपुर अतरौली घराने की गाने का तरीका ऐसा है कि बीच में कोई सुनता नहीं तो फिर आगे का कुछ समझ में ही नहीं आता है, इसीलिए वे मुझे देखना पड़ता है कि ऑडियंस को मैं समझा देती हूँ कि भी ध्यान से सुनो, बीच में सा थोड़ा सा चले जाने के बाद आगे हम क्या करते हैं वो समझ में नहीं आएगा, मगर ये पूरी ध्यान से सुनते हैं आजकल। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आजकल यंगस्टर भी क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ध्यान से सुनते हैं और इस तरफ अभी आकर्षित भी हो रहे हैं। Oh.
पूरी हिस्ट्री बोलूं ये फोटो के बारे में? नहीं, आप सिर्फ उनका नाम बता दीजिए। मेरे पहले गुरजी खासा है। हाँ मेरे हुज़ ऑन द